नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां दुर्ग जिले के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने ऑनलाइन सट्टा ऐप कारोबार से जुड़े हुए मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर के 7 करीबियों के ठिकाने पर दबिश दे दी है। जहां सोमवार सुबह 7 बजे ईडी की 4 सदस्यीय टीम भिलाई पहुंची, जहां नेहरू नगर में दीपक सावलानी यानी कि जिनका नाम अब बदल गया है और जयदीप रख लिया गया है, उनके घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के तहत 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। पहले फेज में 20 सीटों पर मतदान है, जिसमें बस्तर संभाग के अलावा राजनांदगांव और उसके आसपास की भी सीटें शामिल हैं। राजनांदगांव से बीजेपी ने पूर्व सीएम रमन सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को अपनी प्रत्याशी घोषित किया है। 16 अक्टूबर को रमन सिंह राजनांदगांव में नामांकन दाखिल करेंगे। इसी के साथ ही इस नामांकन रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। गंगाजल पर जीएसटी लागू किए जाने को लेकर के एक पत्र ने सियासी उफान मचाया है। जहां बीजेपी एक तरफ जहां इसे झूठा करार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बतौर जारी पत्र के माध्यम से बीजेपी को घेरने में लगी है। बहरहाल आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक्स पर पत्र की काफी पोस्ट करते हुए लिखा, भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा 3 अक्टूबर 2023 के पत्र के माध्यम से विभाग के सभी डाक परिमंडलों को ये सूचित किया जाता है कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि गंगा जल की बोतल पर मूल्य 35 रुपए, जो कि 18% जीएसटी जोड़ करके बताया जा रहा है, निर्धारित किया गया है। गंगा जल की जिन बोतलों पर पूर्व से मूल्य प्रिंटेड है, उनमें जीएसटी सहित स्टैंप भी लगा दी जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 30 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट नवरात्रि के पहले दिन जारी कर दी है। कांग्रेस ने बीजेपी की तर्ज पर नो रिपीट फॉर्मूला आजमाया है, जिसके चलते कई मौजूदा विधायकों के दोबारा चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिर गया है। पार्टी ने अपने 8 मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर उनकी जगह पर नए चेहरे उतार दिए हैं। साथ ही कांग्रेस ने सत्ता विरोधी लहर को काउंटर करने के तहत ये बड़ा दांव चला है। माना जा रहा है कि सियासी रणनीति के तहत नो रिपीट फॉर्मूला कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।